ट्रांसफार्मर को हटाए जाने की मांग, राशन की दुकान के बाहर ग्रामीणों ने किया हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन। शिवपुरी जिले के बदरवास ब्लॉक के सालोडी पंचायत के ग्रामीणों ने सोहनपुर गांव की राशन की दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीण हाथ में तख्तियां लेकर राशन की दुकान के ट्रांसफार्मर को हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप थे कि राशन न मिलने की शिकायतें कलेक्टर सहित कोलारा से एसडीएम से कर चुके हैं, हालांकि कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक ट्रांसफार्मर को नहीं हटाया जाता तब तक वह राशन भी नहीं लेंगे। कदम सिंह धुलारा ने बताया कि सेल्समैन हरवीर कलावत के द्वारा सिर्फ त्योहारों में ही राशन दिया जाता है, इसके अलावा वह कई कुछ ग्रामीणों को राशन दे देता है, बाकी शेष ग्रामीणों को राशन नहीं दिया जाता। जिनको भी राशन दिया जाता है उन्हें भी कम करके राशन दिया जाता है। साथ ही जब ग्रामीणों द्वारा राशन की मांग की जाती है तो सेल्समैन द्वारा गाली गलौज की जाती है। इसकी शिकायत बदरवास थाने में दर्ज कराई गई थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि आज सालों पंचायत के सभी ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि जब तक राशन की दुकान के सेल्समैन को नहीं हटाया जाता तब तक इस पंचायत के ग्रामीण दुकान से राशन नहीं लेंगे। इतने सारे लोग को काय के लिए खड़े हैं, किस बारे में, क्या कारण, आप कौन सी पंचायत से हो? सालन पंचायत। अच्छा, ग्राम कौन सा आपका? मोहनपुर। तहसील? तहसील बदरवास। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट? शिवपुरी। अच्छा, तो यह सेल्समैन की दुकान पे आप किस बारे में खड़े हो? सेल्समैन को हटाना है सर। अच्छा, हटाना है। हाँ। तो क्या आपको समय पे नहीं देते? समय पे नहीं देते, तीन तीन महीना छोड़ के देते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं उसमें? हटाना है। अच्छा, तो इसलिए आप लोगों ने आंदोलन किया यहाँ पर, और ये आपने ले रखा हाथ में दादागिरी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो आपके साथ दादागिरी भी करते क्या लोग? दादागिरी भी करते हैं। अच्छा, चलो ठीक है।